तो मैं बातें को आपकी भूमि से उस मंच उस नेता को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, अगली बार तुम विधानसभा जाके दिखा देना ये माइक लोग नहीं आ रहे। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध संत रैदास कबीरदास भगवान वाल्मीकि बिरसा मुंडा जाटगांव भील और भजन समाज संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हम सबके परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए और हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राजा जी को इस खाते गांव की भूमि से सलाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक दरसिया जी, हमारे प्रदेश प्रभारी रविंद्र भाटी गुज्जर जी, मोहनलाल जी, विजय सिंह यादव जी और यहाँ की पूरी आयोजन कमेटी हमारे तो जिला अध्यक्ष जिला सोलंकी सुधारिया जी सभी को जय भीम और सबसे महत्वपूर्ण जो लगातार 5-6 घंटों से संघर्ष कर रही हमारी हमारी बहने हमारी माता है आपको मेरा एक बार गांधी करी सैल्यूट जय भीम जय भारत। साथियों खादे गांव और नेमावर में जो हमारे आदिवासी परिवार की बहनों के साथ में हमारी बहनों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म कर उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ कर उनको खोद कर गाड़ दिया था, उस समय पर हमारे भीम आर्मी के साथियों ने उस मामले को उठाया और जो हमने भाई चंद्रशेखर राजा जी से बात की, हमारे बीच में हमारी छोटी बहन भारती मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि सूरज इधर से उधर उठ सकता है लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नेमावर की धरती से गिराने पर मैं कला रोक नहीं सकता। और उस काफिले ने लगभग 200-250 किलोमीटर के रोड के आक्रोश मार्च ने यहाँ के प्रदेश के मुखिया को यहाँ तक की कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी हमारे पीड़ित परिवार को सहयोग करने पर मजबूर किया और ये भीम आर्मी की बदौलत है, हमारे देश की बदौलत है, हमारे आदिवासी भाई की बदौलत है कि उस कार में सीबीआई की जांच हुई और लगभग हमें न्याय मिलने की हम लोग तेरिस पर खड़े हैं। मैं तो साथियों बताऊं मुझे हाथ खड़ा करके अगर भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं आते तो क्या न्याय मिलता? यहाँ पर मौजूद है कि हमारे भाई हमारे बहन युवा साथियों को यहाँ खड़े करके न्याय मिलता? तो साथियों ये खाते गांव के अंदर हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की जब पुलिस थाने में मुंह उखाड़ी गई, जब हमारे भीम आर्मी चीफ फाजलपुर में आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि वे खाते गांव आकर इस थाना सही प्रशासन को और यहाँ के जातिवादी गुंडों को जवाब दे दूंगा। साथियों आज वो संकल्प पूरा करने के लिए खाते गांव की धरती पर आके निकला है। अभी आपने विपक्ष के एक बड़े कैबिनेट मंत्री का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि कौन चंद्रशेखर आजाद और कौन भीम आर्मी ये दो गाड़ी किराए की ले लेते हैं और किराए से लोग बुला लेते हैं। तो बताओ मुझे आप सब लोग किराए से आए यहाँ पे क्या? बताइए आप लोग किराए से आए यहाँ पे क्या? अरे ये तो समाज का वो खून है जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहने के लिए तैयार चंद्रशेखर आजाद से मांग लिया है। तो मैं खाते गांव की भूमि से उस मंच उस नेता को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, अगली बार तुम विधानसभा जाके दिखा देना ये माइक लाल तुम लोग नहीं आ रहे। और हमारे लिए हमारे नेता का मान सम्मान अभिमान हमारी जान से प्यारा है, इस भव्य समाज के लिए मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, अगर कोई हमें अपमानित करेगा तो उसका इलाज हमें युद्ध से करना भी आता है। साथ ही समय काफी हो चुका है, अब मैं आपके बीच में जरा देरी नहीं करते हुए मैं भीम आर्मी चीफ को आग्रह करूंगा कि देखो ये गोष्ठी बनाया जनशेखर भाई जिंदाबाद।